ओमान के आज श्रीलंका के साथ इसी भिड़ंत के साथ आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप की जो हवा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ओमान में आज बिल्कुल से चालू होती हुई नजर आई है। जो रौनक देखने को मिली स्टेडियम में वो काफी शानदार थी। स्टैंड्स काफी भरे हुए थे, श्रीलंका से फैन आए जरूर हुए थे, काफी ऑफिशियल्स भी थे। कुल मिला के महफिल सज चुकी है वर्ल्ड कप की और उसकी शुरुआत आज से हुई है। लेकिन बिल्कुल आज की शुरुआत अगर आप कहें तो ओमान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। पहले मैच में काफी कंफर्टेबली श्रीलंका ने ओमान को आज हरा दिया है। जी हाँ, 17 रन से आज कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, 19 रन से 19 रन कहीं ना कहीं ओमान ये पहला मैच हार गया है। लेकिन इस मैच में दो ऐसे मौके थे जहां पर लगा था कि हाँ ओमान ये मैच जीत सकता है। जी हाँ, श्रीलंका के सामने भी उन्होंने ऐसे मौके बिल्कुल क्रिएट किए कि क्या दो बार ऐसा लगा कि ये मैच अब ओमान की मुट्ठी में है। ऐसा लगातार सुनते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाए। आज पहले बैटिंग श्रीलंका ने की। जी हाँ, आज श्रीलंका यहाँ पे पहुंची और आज उनका पहला मैच था। दो बिल्कुल मैच होने हैं। पहले मैच में बैटिंग पहले की और अब यहीं पे वो वक्त था जहां पर लगा ओमान ये मैच जीत सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं एक ओमान के शायद माइंड में ये था कि मैच शुरू होने से पहले कि इतनी बड़ी एक टेस्ट नेशन यहाँ खेलने आई है पहली पहली बार और हम उनका सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो दिखा नहीं। बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग थी ओमान की कि बिल्कुल नर्वस नजर नहीं आ रहे थे। उसी का जो एक एग्जाम्पल देखने को मिला है कि 24 रन के अंदर अंदर 3 विकेट निकाल दिए श्रीलंका के, 3 विकेट श्रीलंका के। दिनेश तंडीमल इतने ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले श्रीलंका बिल्कुल के पूर्व फॉर्मर कैप्टन भी गोल्डन डक पे आउट हुए। बिल्कुल जी हाँ, गोल्डन डक ओपनिंग करने उतरे थे और गोल्डन डक पे आउट हुए। फयाज भट्ट ने उनको गोल्डन डक पे आउट किया। क्या शुरुआत मिली थी ओमान को, 24 पे 3, श्रीलंका को माफ कीजिएगा, ओमान को 24 पे 3 विकेट गिर गए और 6 ओवर पावर प्ले भी चला गया। जी हाँ, तो पावर प्ले में पूरी तरह से आप देख सकते हैं ओमान को एक वक्त ऐसा लगा होगा बिल्कुल कि ये बिल्कुल मैच में हम पकड़ बना सकते हैं और ये मैच हम जीत सकते हैं, भले ही सामने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन खेल रही हो और बिल्कुल श्रीलंका जैसी टीम खेल रही हो। लेकिन उसके बाद, जी हाँ उसके बाद आखिरकार टेस्ट प्लेइंग नेशन या फिर श्रीलंका आप कहें, उन्होंने बिल्कुल दिखा सर दिया कि बिल्कुल चलिए अनलकी सही, लेकिन हम राउंड 1 खेलने आए हैं, लेकिन हमें आप इतना भी कमजोर मत समझिए। वाकई उन्होंने दिखाया कि आखिर टेस्ट प्लेइंग नेशंस और उनके पास जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है वो पूरी तरह से उस 6 ओवर के बाद से आउट क्लास कर दिया ओमान की टीम की बॉलिंग अटैक को, ओमान के उन बॉलर्स को भी जिन्होंने वो बिल्कुल 3 विकेट लिए थे, और पूरी की पूरी कप्तानी जिसान मकसूद की धराशायी रह गई और श्रीलंका के सिर्फ 2 बैट्समैन के बिल्कुल साथ। सही बिल्कुल सही। और यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि श्रीलंका है इतनी बड़ी देश है, कहाँ आप ओमान से बात कर रहे हैं। 3 विकेट भी श्रीलंका के ही गिरे थे, जी हाँ वही बड़े देश के गिरे थे। उस पर अब आएंगे। बिल्कुल। और यहाँ उसके बाद तो श्रीलंका बैट्समैन ने पूरी तरीके से ओमान की बॉलर्स को क्रैश कर दिया, कहीं भी नहीं टिक रहे थे बिल्कुल ओमानी के बॉलर। और पूरी तरीके से, चाहे कोई भी कह ले, फयाज भट्ट को ले ले, करीम उल्ला ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, जी हाँ, बहुत उन्हें जबरदस्त बॉलिंग राउंड कराई, 7 में भी काफी इंप्रेस बहुत किया था। अच्छे नए बॉल के बॉलर हैं वो, बार बार साबित कर रहे हैं। 4 ओवर में 18 रन, 1 विकेट निकाला है। बीच में 7 से 15 ओवर में 62 रन बने थे श्रीलंका के, सिर्फ 1 विकेट गिरा था, सिर्फ 1 विकेट गिरा था। बस यहीं से पूरा मोमेंटम चेंज हुआ। अविष्का फर्नांडो, दासुन शनाका ने खबर ली ओमानी के बॉलर से, जबरदस्त खबर ली है दोनों ने और दोनों ने ही 50 झड़ी है यहाँ पे। बहुत तेज, दासुन शनाका बहुत ने तो तेज, बहुत ही तेज 200 प्लस की स्ट्राइक दो रेट सौ से, बारह 212 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे हैं। और बिल्कुल ओवरऑल जो टीम 6 ओवर में 24 रन पे 3 विकेट थी, जी वो हाँ टीम 164 रन पे पहुंच जाती है 20 ओवर कंप्लीट होने के बाद। तो जबरदस्त तरीके से अटैक किया श्रीलंका ने। उन्होंने वो यहाँ पे नीति अपनाई है, क्या कहेंगे आना, विकेट बचाओ एंड में फिर इस विकेट का यूज किया जाए। बिल्कुल। और पूरी तरीके से ओमान ने अपना जो कंट्रोल था वो बिल्कुल लॉस्ट कर दिया इसमें। बहुत अच्छा मौका था, बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं मिडिल ओवर्स में। दाशिन सराका ने जो तेज तरह पारी खेली और अविष्का फर्नांडो की जो पारी रही है जबरदस्त, उन्होंने 5 छक्के लगाए हैं, 83 रन की उनकी पारी है, बहुत अच्छी रही है। तो कहना होगा कि बड़े एक्सपीरियंस के सामने कहीं ना कहीं ओमानी के बॉलर्स कहीं ना कहीं थोड़े से डगमगाते हुए नजर आए मिडिल ओवर्स में। कहीं मैच पकड़ में था, खुद ही उन्होंने गवा दिया। जी बहुत हाँ ही लो क्वालिटी की बॉलिंग हुई थी मिडिल ओवर्स और लास्ट में। जी हाँ, 165 रन का टारगेट चेस करने के लिए, 163 163 का टारगेट चेस करने के लिए जब ओमान की टीम उतरी ग्राउंड पर,
उसके बाद ऐसा हम कह सकते हैं इनके पास जतिंदर सिंह थे, आकिब इलियास थे, ईशान मकसूद थे, मोहम्मद नदीम थे, संदीप कौर थे, नसीम कुसी थे, बैटिंग फिर भी थी, वो को उम्मीद कर सकते थे कि चलिए हम 130 चेस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। 24/3 आपने श्रीलंका लिए थे किए, तो आप भी एक्सपेक्ट करिए कि कुछ उधर से भी बहुत तगड़ा आने वाला है, और बिल्कुल वही आया। 10 रन के अंदर 2 विकेट आकिब इलियास के, आकिब इलियास भी उसमें पवेलियन लौट के आराम से आराम कर रहे थे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये पे बैक टाइम था श्रीलंकन का कि दिखाने का हम क्या हैं, हमें राउंड वन हम अलग के लिए खेल रहे हैं, आपने पहले ही कहा, लेकिन सीधा 28 रन पे 4 विकेट शुरू किए पावर प्ले में, ये था हाल ओमान, एक बोनस दिया एक बोनस दिया है बिल्कुल। और फ्लॉप शो ओमान के बैट्समैन का भी, टॉप ऑर्डर के कहें, मिडिल ऑर्डर का कहें, मिडिल ऑर्डर में मैं जल्दी से आ जाता हूँ, कुछ है नहीं बताने के लिए। 59 रन बने हैं मिडिल 7 से 15 के बीच में, और 2 विकेट 59 रन, और 9 ओवर में 9 6 54, बहुत ही कम बॉलों में 54 बॉलों में 59 रन, 2 विकेट यहाँ गिरे हैं, बहुत ही ज्यादा लोग बहुत ओडीआई के एवरेज से, जिस तरीके से ओडीआई में ओमान खेलती है लो एवरेज अपने रन रेट के हिसाब से, वो यहाँ खेलती हुई नजर आ पड़ी है। T20 है यहाँ, ऐसा गेम बिल्कुल नहीं चाहिए। ऊपर से आप चेस कर रहे हैं तो आपको एक हमेशा आपके सर पे एक करवा लटकती है, वो है रिक्वायर्ड रन रेट, हमेशा उसको आपको मेंटेन करके चलना होगा। अब आप सोचेंगे कि मिडिल ओवर में श्रीलंका ने भी लगभग इतने रन मारे थे, लेकिन ओमान ने भी लगभग उतने रन मारे हैं, लगभग 800 रन मारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप ये देखिए कि श्रीलंका के विकेट थे 4, जब वो लास्ट के 5 ओवर पहुंचे तो उनके पास 6 विकेट थे, और ओमान के पास ऑलरेडी 6 विकेट उनके खर्च हो चुके थे, और कोई सेट बैट्समैन भी वहां पर मौजूद नहीं था, जैसे कि यहां पर थे दाशुन सनाका और अभिषेक फर्नांडो। यही कंपैरिजन में क्लियर नजर आ रहा है कि फर्क कितना है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ओमान इतनी आसानी से हार मानने वाली टीमों में से नहीं है, उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ जो भी जो मैच हारे थे वो पूरे 50 ओवर उन्होंने खेले, वो आउट नहीं हुई, जबकि कई कई अच्छी टीमें तो 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती है, वनडे में 40 ओवर 45 ओवर, पीएनजी की बात करें या फिर और भी टीम्स की अगर हम बात करें 50 ओवर भी नहीं खेल पाते, लेकिन वो उन्होंने खेला और यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की कोशिश की। लोअर ऑर्डर में आके नसीम खुशी ने एक बार फिर से परफॉर्मेंस की है, स्कॉटलैंड के खिलाफ राउंड 7 में किया था, और आज फिर क्या कहेंगे उस इनिंग के बारे में, भले मैच हारी हो ओमान, उस इनिंग के बारे में क्या कहें? बिल्कुल, इस लोअर ऑर्डर से मैं कहना चाहूंगा कि ओमान का लोअर ऑर्डर जो है ये इस T20 वर्ल्ड कप में राउंड 2 के लिए अगर ओमान को जाना है सुपर 12 में तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर जो है संदीप गौड़, नसीम खुशी, कलीमुल्ला की अगर बात करें, पिंच हिटर बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि आप श्रीलंका है चलिए कोई बात नहीं, बड़ी माफ कीजिएगा बांग्लादेश है बहुत बड़ी टीम होगी, लेकिन अदर्स जो है वो इतने बड़े नहीं होंगे, तो उसके सामने फायदा मिल सकता है। लोअर ऑर्डर बहुत ज्यादा पावर हिटर नजर आ रहा है, नसीम खुशी ने तो आज एक टाइम को लगा था कि शायद ओमान की तरफ कर सकते, पर वही रिक्वायर्ड रन रेट, विकेट का फॉल, सामने से कोई बिल्कुल कोई था भी नहीं, ऊपर का कोई बैट्समैन यहाँ होता 60-70 पे तो उम्मीद कर सकते। जी हाँ, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज बताते हैं, श्रीलंका ने ओमान को हराया, तो सबसे पहले जब श्रीलंका खेलने के लिए ओमान के सामने आई, ओमान के सामने फैसला हुआ कि ओमान सामने खेलेगी, तो तब श्रीलंका सब के ये कह रहे थे कि श्रीलंका एक ऐसी टीम से खेलेगी, ये वो सब तो काफी सारे मजाक उड़ाई गई, यहाँ बहुत पढ़ाई हमने मजाक उड़ाया कि श्रीलंका ओमान से खेलेगा, ऐसी टीम से खेलेगा। अगर यहाँ पे देखिए ये डबल फेस हो जाता है, अगर यहाँ पे ओमान श्रीलंका को हरा देती तो ये कहते कि एक एसोसिएट टीम से हार गए, और अगर श्रीलंका ओमान को हरा दिए, आज हरा दिया तो कहेंगे अरे एसोसिएट टीम की तो हराया, क्या तीर मार लिया। आपको नहीं लगता ये डबल फेस है? और ये डबल फेस वाले जो फैंस है ये गली गली में भरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में भरे हुए नजर आते हैं, लॉजिक समझ नहीं आता। आप खुद ही कहते हैं कि एक एसोसिएट टीम को के साथ खेलोगे अब आप, और जब उनको अगर एसोसिएट टीम श्रीलंका को हरा दे तो आप कहते हो कि एक एसोसिएट टीम से हार गए, और उसको अगर हरा दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ समझ से परे इस मामले में, क्या कहते हैं? बिल्कुल, और ये मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, जब से श्रीलंका ओमान का ये फिक्स हुआ था कि होगा ये सीरीज, तब से मैं सुनने में आ रहा है कि सामने बहुत पढ़ रहा हूँ मैं कि अच्छा आप इतने बुरे दिन आ गए कि ये है, और कई बार ऐसा हो चुका है, तो ये मुझे डबल फेस लगता है बहुत सारा। आपने सही कहा, हर जगह, हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ या नुक्कड़ जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं, हर जगह पे ये है कि डबल फेस वाले फैंस क्रिकेट में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। ये देखिए क्रिकेट है, हमने आपको हरा दिया, आप आज हमसे हार गए हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया मामला। कौन किस हाइट पे है, कौन कितनी ऊंचाई पे टीम है, कौन किससे जीता है, किससे हारा है, वो मैटर नहीं करता। क्रिकेट में हमने देखा है बड़ी बड़ी टीमें भी हारी हैं, और जब
बड़ी बड़ी टीमें हरा देती हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी टीम है, क्या हो गया। लेकिन अगर जब वो हार जाती हैं तो यही डबल फेस चालू हो जाता है। तो क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह मैच हुआ, दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं, अच्छा है। लेकिन ऐसे फैंस से आप लोग भी थोड़ा दूर ही रहिएगा, ये लोग ऊपर जाने वाली बातें बहुत ज्यादा है। जी हाँ, फिलहाल अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। दूसरे T20 में देखना होगा किस तरह से ओमान वापसी करती है। लेकिन जहां तक बात है UAE की, वो आज वापसी नहीं कर पाई है, उसका पोस्टमैच एनालिसिस भी जरूर है। जी हां, जरूर जाके अभी देखिए। और आज के टॉप परफॉर्मर CPL की वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने मिस किया तो जाकर जरूर देखिए। इसके बाद ही लगातार दो वीडियो एसोसिएट की कुछ टीमें वेंटिलेटर्स पे है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल वेंटिलेटर्स पे है, ये देखने वाली बात है। और उसमें से कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधे है UAE, वो नाम हम कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं। बिल्कुल दो तीन टीमें हैं, आप जान सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर्स में है। जी हाँ, देखना होगा, आप बगल अप कर लीजिए बहुत ज्यादा। लेकिन इनसे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको कहाँ मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार बनी डेली क्रिकेट चैनल के साथ सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको हम लगातार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। सारी एनालिसिस दे चुके हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय।